الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا أمير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وزهورنا وسرورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم ہے نماز اچھی روزہ اچھا ہے حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ کونین کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا تمام حضرات آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی محمد و حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگان دین اج دا پروگرام اور اجتماع خطبہ جمعہ المبارک دے موقع تے اے دوسرا جمعہ تواڈے اس جامعہ سیدنا صدیق اکبر خیر پور ٹامے والی دے اندر دوسرے جمعے تے تقریر دا اور واعظ دا موقع نصیب ہو رہے ہیں دعائے اللہ تعالی تو سا حضرات دی تشریف آوری اور میری اس جگہ تے حاضری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے گزشتہ جمعہ تسا حضرات نے معراج دے عنوان تے گفتگو سماعت فرمائی اور اج دے اس خطبے دے اندر تحفہ معراج دے عنوان تے میں تقریر کرنی او معراج ہائی اور معراج تو اللہ نے اپنے محبوب نو تحفہ معراج عطا کیتا ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم
जड़ा अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर पहुंचे तोहफा और तहाइफ दा तबादला होया है तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नूं वापसी दे एक सलाम वाला तोहफा दिता है और एक कुरान वाला तोहफा दिता है। सब तो वड्डा अल्लाह ने नमाज वाला तोहफा दिता है। ये नमाज मोमिन दी मेराज है। नमाज हुजूर दे अखां दी ठंडक है और नमाज दीन दा सुतून है। नमाज इतनी आला और अफजल इबादत है कि एदे अंदर बंदे दा और खालिक दा डायरेक्ट ताल्लुक कायम हो वेंदा है। और अल्लाह फरमेंदे जेड़ा बंदा सजदे दे अंदर चले वेंदा वो समझे कि मैं रब दे कदमां च आ वेंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया गया अय्युल आमाल अफजल, महबूब सब तो बेहतरीन आमाल केड़े? आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को टाइम ते कायम करना ए बेहतरीन अमल है। दूसरा फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन दे नाल एहसान करना, खिदमत करना, एहतराम करना ए भी बेहतरीन अमल है। और तीसरा फरमाया बल जिहाद फी सबीलिल्लाह, के जिहाद अल्लाह दे रस्ते दे अंदर करना ए भी बेहतरीन अमल है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ने पूरा दीन जमीन ते अता कीता है और नमाज वाला तोहफा अल्लाह ने अरशे बरी ते अता कीता है और ऐलान कीता है महबूब ए नमाजा लाए के वंजो। बहुत लंबा वाकिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज अली रात ए नमाजा वाला तोहफा लै के वापस पया दिन 50 नमाजा और 6 महीना दे रोजे। रस्ते दंदर मूसा अलैहि सलाम दी मुलाकात हो गई है, हालांकि जै वेले हुजूर मेराज ते वेंदे पयान हूं वेले आदम दे नाल भी मुलाकात होई है, नूह दे नाल भी मुलाकात होई है, यहया और ईसा और ज़ुलकिफ़ल दे नाल भी मुलाकात होई है। वापसी ते सिर्फ हजरत मूसा अलैहि सलाम दे नाल नबी दी मुलाकात होई है। ए दे अंदर क्या राज है? अल्लाह फरमाते हैं मैं मूसा को राजी करना चाहना मी, जो मूसा अलैहि सलाम रोजाना तूर सिना ते आदियन रब्बे आरे नी, रब्बे आरे नी, रब्बे आरे नी, अल्लाह मैनु अपना दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू ताकत नहीं रखता कि मेरा दीदार कर सके, लेकिन मेरा महबूब वापस भी आंदे मेरा दीदार ते नहीं कर सकता, लेकिन ओदा दीदार कर जेड़ा मेरा दीदार करके वापस भी आंदे। मूसा अलैहि सलाम दी मुलाकात मेरे पैगंबर दे नाल होई। मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया या रसूलल्लाह क्या लई वदियो? हुजूर ने फरमाया ऐ मूसा अपनी उम्मत वास्ते नमाज वाला तोहफा लेके पियवेना। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया सोना ए कितनियां नमाजें? फरमाया 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने मुस्कुरा के आखा महबूब मैं अपनी उम्मत को आजमाई खड़ा, मेरी उम्मत ते दू नहीं पढ़ती, तुम्हारी उम्मत 50 किवे पढ़सी? ए चौकियां करेसी या नमाज पढ़सी? मजदूरी करेसी या नमाज पढ़सी? तिजारत करेसी या नमाज पढ़सी? अपनी औलाद का पेट पलेसी या नमाज पढ़सी? महबूब मेहरबानी करो अजन भी वक्त इथों वापस चले वंजो कि रब वड्डा करीम है, रब वड्डा रहीम है। साडा अकीदा है कि अल्लाह अल्लाह भी रहीम, ओदा महबूब भी रऊफ और रहीम, अल्लाह भी करीम, ओदा नबी भी करीम। अल्लाह करीम अपनी मखलूक वास्ते, नबी करीम अपनी उम्मत वास्ते। मूसा हजरत मूसा अलैहि सलाम दे मशवरे ते आका वापस चले गए। या अल्लाह मेहरबानी कर, मेरी उम्मत कमजोर है, नमाजा दी तकफीफ कर, एक नमाज माफ, दो नमाजा माफ, हत्ता के 5 मरतबा गैन 45 नमाजा माफ। हजरत पैगंबर जे वाले वापस आए ते मुझे दोबारा मूसा दी मुलाकात हुई है। हजरत मूसा ने फरमाया सोना मुझे क्यों वे? पहले ते बड़े खुश पे वेंदे आवे जदों 50 नमाजा दा तोहफा लेके पे वेंदे आवे, हुण 5 हो गई इंतवल मुझे। हुजूर ने फरमाया पूछ मूसा तू नहीं जानदा जो मेरी उम्मत 50 पढ़िया ते सवाब भी ते 50 दा मिलिया, मेरी उम्मत 50 पढ़िया ते रुतबा भी ते उतना मिलिया। ए 5 दा रुतबा भी कम, 5 दा सवाब भी कम। अल्लाह ने फरमाया महबूब मा युबद्दलुल कौल लदैया, जेड़ा कौल मैं कर चुका हूं ददन तब्दीली नहीं करनी। अपनी उम्मत को वन रखा है मन जा अबिल हसनाते फलहु अशरु अमसालिहा, के जेड़ा एक नमाज पढ़सी 10 दा सवाब देसा, जेड़ा 5 पढ़सी 50 दा सवाब देसा। बुलंद आवाज़ को सुभान अल्लाह। नमाज
तोहफा है मेराज, एक आका दी मेराज, एक तेरी ते मेरी मेराज। और अजीब मंजर है, जितनिया भी इबादत हैं उन्हां दा टाइम मुकर्रर, महीना मुकर्रर, जगह मुकर्रर, वक्त मुकर्रर, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है। अगर जकात देसो मदरसे दे अंदर ते साल दे बाद रजब ते शाबान ते रमजान दे अंदर, अगर हज करना चाहते वे ते जुलहज दे महीने दे अंदर, लेकिन ए नमाज ऐसी इबादत है कि दुकान ते पढ़ो ता भी अदा है, मदरसे च पढ़ो ता भी अदा है, मस्जिद च पढ़ो ता भी अदा है। यानी कि इबादत हर इबादत का टाइम ते जगह मुकर्रर है, लेकिन नमाज उत्थे भी जिथे खुदा है उठा ही नमाज है। सुभान अल्लाह, जिथे खुदा है उठा ही नमाज है। यानी खुदा भी हर जगह, नमाज भी हर जगह। और पहली उमता का फर्क होता है, उन्हें वास्ते नमाज की जगह मुकर्रर होती है। अगर इत्थे पढ़ सकते तो उत्थे नन पढ़ सकते, अगर उत्थे पढ़े ना तो इत्थे नन पढ़ सकते। लेकिन हुजूर ने फरमाया, मेरे उम्मतियो, अल्लाह ने तुहाडे उत्ते एहसान किया है, जो लत ली अल अर्ज़ मस्जिदा, अल्लाह ने मेरे वास्ते पूरी जमीन को मस्जिद बना छोड़ा है। अल्लाह ने सारे वास्ते नमाज वाला तोहफा उचिया को। सुभान अल्लाह, नमाज कुरान दे अंदर कई मकामात अल्लाह ने कुरान दे अंदर नमाज का जिक्र फरमाए, फरमाया कद अफलहल मुमिनून। सुभान, फरमाया मोमिन कामयाबिन, या अल्लाह केड़ा मोमिन, फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फरमाया ओ लोग जिन्हां दी नमाज अंदर खुशो पिया नजर आंदा है, जिन्हां दी तहज्जुद अंदर खुशो ते खुजो पिया नजर आंदा है। अल्लाह ने मोमिन दी तारीफ कीती है, केड़ा मोमिन, कद अफलह मन तज़क्का वज़कर इस्म रब्बी फसल्ला, फरमाया ओ बंदा कामयाब जिहड़ा दिल नूं तज़किए दे नाल पाक करेंदा है, ते जुबान को मेरी याद दे नाल आबाद करेंदा है, मुसल्ले को मेरी नमाज दे नाल आबाद करेंदा है। कद अफलह मन तज़क्का वज़कर इस्म रब्बी फसल्ला, अल्लाह ने इत्थे भी नमाजी दा नमाजी दी तारीफ की। अल्लाह फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सबर वस्सला, दूजे सिपारे दे अंदर पहले सबर दा जिक्र है, वल नमाज दा जिक्र है। फरमाया अगर सबर हासिल करना है ते नमाज अदा करो। कुरान दे अंदर पूरे कुरान दे औराक देखो किथे किथे अल्लाह ने नमाज दा जिक्र फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हां को भी नमाज नाल डाढ़ा प्यार आई, ही वास्ते आदे रब्बी जालनी, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह मैनू भी नमाज दी तौफीक दे, अल्लाह मेरी अमल वाली औलाद नू भी नमाज दी तौफीक दे। हजरत इब्राहिम भी नमाज दा जिक्र करेंदे ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जे वले तूरे सीना ते गए ने, अल्लाह फरमाया मूसा मेरा ऐलान सुन, इन्नानी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। सुभान, फरमाया इब्राहिम भी आदे रब्बी जालनी मुकीमस सलात, मूसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह दे व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। जरा आगे चलो, हजरत ईसा अलैहि सलाम भी नमाज का जिक्र पे कर दे, पैगंबर इब्राहिम को भी नमाज नाल प्यार है, हजरत मूसा को भी नमाज नाल प्यार है, हजरत ईसा दीवारी आई है आख लगे आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका अईनमा कुंतु व औसानी बिस्सलाति बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या। हजरत ईसा अलैहि सलाम भी याद ने कि मैं को अल्लाह ने भेजा है, नबी भी बनाया है, पैगंबर भी बनाया है, साहब किताब भी बनाया है, मुबारक भी बनाया है, लेकिन मेरे जिम्मे दो काम ने, मैं जकात भी देनी है ते नमाज भी अदा करनी है। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या। हजरत लुकमान हकीम अपने पुत्र को बुलाई बैठे तनहे तनहा, आदे बैठे बेटा एक काम करना, या बुनैया अक़िमिस सलाता, या बुनैया अक़िमिस
सलाता वामुर बिल मारूफ वनह अनिल मुनकर। बेटा जिथे तबलीग करे, जिथे तकरीर करे, जिथे वाद करे, उथे नमाज भी कायम करे। हाय लुकमान भी आदे नमाज पढ़ो, इब्राहिम भी आदे नमाज पढ़ो, ईसा अलैहि सलाम भी आदे नमाज पढ़ो, हाय मूसा भी आदे नमाज पढ़ो। ले मेरे तेरे ते मेरे पैगंबर दी वारी आई है। अल्लाह ने एक लफ्ज़ दा इजाफा फरमाया, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकिमिस सला। फरमाया महबूब मैं सारे नबी सिर्फ नमाजा पढ़न, ते तू नमाज भी पढ़, ते नमाज च कुरान भी पढ़। सुभान उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकिमिस सला इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तसनाउन। ऐ यारो अल्लाह ने अपने पैगंबर को नमाज वाला तोहफा अता कीता है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। हुज़ूर फरमाते हैं नमाज मेरा, नमाज मोमिन दी मेराज है, नमाज मेरी अखां दी ठंडा के। अल्लाह ने कैसे तोहफे अता कीते ने, पकड़न वास्ते हाथ दिते ने, बोलन वास्ते जुबान दी है, सुनन वास्ते कन दिते ने, चखण वास्ते जनाब है ए ज़ायका ते जुबान दी है, देखण वास्ते अख दी है। अल्लाह फरमाए चीजा भी पंज ने, कन ते हक ते दत ते हाथ, ए भी पंज ने, मजे फर्ज भी पंज ने। यार अगे चलो अल्लाह ने पंज चीजा बइया भी अता कीती ने। ओ देखो मौत दी सख्ती है, कब्र दा अज़ाब है, नाम है आमाल है, जनाब देह क़यामत है, च पुल सिरात दा मंजर है, जन्नत अंदर दाखला है। फरमाए ओ भी पंज ने, जेड़ा आदमी पंज नमाज अदा करे सी ओनू मरदे वक्त कलमा नसीब होवे सी, जेड़ा पंज वक्त नमाज अदा करे सी ओदा कब्र दा अज़ाब खत्म होवे सी, जेड़ा पंज वक्त नमाज अदा करे सी ओ पुल सिरात बुझली दी तरह गुजरवे सी, जेड़ा पंज वक्त नमाज अदा करे सी ओदा नाम है आमाल ओदे सजे हाथ दी तवे सी, जेड़ा पंज वक्त नमाज अदा करे सी ओनू बगैर हिसाब दे जन्नत दे दाखला अता कीता वैसी। इवें तो हुजूर नहीं फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। फरमाया मेरी मेराज पढ़न वाले आ, जरा अपनी भी मेराज कर। यार नमाज पढ़ना मेराज है, रकू गिया खड़िया दे सुबहान रब्बी अल अजीम। ए ऐसा नमाज वाला तोहफा अल्लाह ने कह इबादत दा इतना वाज़ी अंदाज दे अंदर बयान नहीं कीता जितना वाज़ी अंदाज दे अंदर अल्लाह ने नमाज दा बयान फरमाया। जे वेले नमाजी आए वुज़ू मस्जिद दे अंदर आके वुज़ू पिया करें दे, अल्लाह ने नमाजी दे वुज़ू को भी कुरान बना छोड़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह ने तेरे वुज़ू दा भी जिक्र कीता है, अल्लाह ने तेरे मस्से दा भी जिक्र कीता है, अल्लाह ने तेरे मुंह धोवण दा भी कुरान जिक्र कीता है। यारो सर अगे चलो अल्लाह ने तेरे रकू दा भी कुरान जिक्र कीता है। लोग आदे नमाज को कुरान जो साबित करो, ओ यारा अगर हदीस नु मन दे ते कुरान नु मन दे, अल्लाह ने नमाज दा नक्शा कुरान जी विखे छोड़े। ते मेरे रकू दी वारी आई है, अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकू वसजुदू। अल्लाह ने इस आयत दे अंदर रकू दा जिक्र भी कीता है, सजदे दा जिक्र भी कीता है। या अल्लाह खैर पुट्टा में वाली दे लोग मदरसा सैयदना सिद्दीक अकबर दे अंदर आमन वाले लोग ए ते समझ गए ने जे कियाम ए नमाज दे अंदर रकू दा जिक्र ते आ गई है, लेकिन कियाम ते सजदा दा जिक्र कीती आई है, कियाम ते कादा दा जिक्र कीती आई है। अल्लाह फरमाए ए भी जरा दसा दे वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने सजदे दा जिक्र भी कुरान च कीता है, कियाम दा जिक्र भी कियाम च जनाब कुरान च कीता है। अगे जरा चलो जेड़ा आप अत्तहियात मानी है ए दा जिक्र भी अल्लाह ने कुरान च कीता है। अल्लदीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ऊदा। सुभान अल्लाह ने तेरे कादे दा तेरे अत्तहियात दा जिक्र भी कुरान च कीता है। जेड़े जुमे ते तू आया बैठे है अल्लाह ने ही पूरी नमाज दा नक्शा कुरान लिखे छोड़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौम मिल जुमा फसाउ इला जिक्रिल्ला फसाउ इला जिक्रिल्ला की वजरुल बई। कुरान आदे ये सारी नमाजा दी सरदार नमाज जुमा है। जे वेले अजान हो वने तिजारत छोड़ देवे, नमाज हो वने मंडी छोड़ देवे, नमाज हो वने हुक्का ते बीड़ा ते सिगरेट छोड़ वने, फसाउ इला जिक्रिल्ला वजरुल बई जालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ने नमाज जुमे का जिक्र भी कुरान बयान फरमाए। या अल्लाह
नमाज अदा हो गई, हुण क्या करो। कुछ लोग नमाज दे बाद खड़े होके हल्का बना देने, या हबीब सलाम अलैका, अल्लाह फरमाए को ना, फाइजा कुजियती सलात फंतशिरु फिल अर्ज़ वबतगु मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाए जे मेरे नमाज जुमा अदा हो बनो, जितनी देर तिजारत छोड़ के आवे, जितनी देर दुकान बंद करके आवे, जितनी देर अपनी औलाद ते बीवी तो दूर हो के आवे, फरमाया जुमा दी नमाज पढ़ के दुकान ते वंजना वापस वंजना तुहाडा काम है, ते तुहाडा घाटा पूरा कर देवणा मैं अल्लाह दा काम है। फंतशिरु फिल अर्ज़ वबतगु मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाया आओ जरा नमाज वाले पासे, यार अज तू नमाज नहीं पढ़ता, अज मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन ये तेरा ते मेरा कसूर है। लेकिन 700 मरतबा अल्लाह ने कुरान नमाज जिक्र फरमाए, वामुर अहला का बिसलात वस्तबिर अलैहा, कितनी फरमाया अय्युहल्लदीन आमनु आमनुरकउ, कितनी फरमाया वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकउ मर्राकईन, कितनी अल्लाह फरमाए अल्लदीन युकीमुनस्सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। यार आज तू तो मैं नमाज छोड़ी बैठी है, पखे भी चल दे पे, नमाज नहीं पढ़ता, एयर कंडीशन कमरे बन गए, नमाज नहीं पढ़ता, आज खुदा सेहत दी है, नमाज नहीं पढ़ता, आज खुदा ने खनन ते कियाम दी ताकत दी है, नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन आ मैं तेको नबी दे सहाबी दा वाक्या सुनावा, हर पास दुश्मन ही दुश्मन, हर पास तलवार ही तलवार। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला नो दुश्मन दे हाथ च आ गए, रात का ऐलान हो गए, हजरत कल 12 बजे नबी दे आशिक नु फांसी ते लटका दिता वैसी। हजरत खुबैब को जनाब मैदान दे अंदर लाए के आ गए, आते जे मेरे फांसी दा फंदा करीब आए, ओए फांसी दे फंदे ते लटकना ए कोई आम बंदे दा काम नहीं, ए नबी दे आशिकां दा काम है, ए आम बंदे दा काम नहीं, ए सहाबा को मनन वाले दा काम है। हाय कोई बिस्तर दी मौत मरे, कोई एक्सीडेंट दी मौत मरे, कोई अस्पताल दे अंदर मरे, वाह सहाबा ते सहाबा को मनन वाले हो, मैं तुझे अजमत तो कुर्बान जावा। जे मेरे फंदे को डिठने चुमदे भी खड़े ते हसदे भी खड़े, सुभान अल्लाह। यार दूर ना माने आ मेरे चीमा शहीद को देख ले, ओए दूर ना माने तेरे बुरी हालत दा शफीक उर रहमान दा आज फोटो तेरी अखबार ते आया पिए। यार ए भी तो लोग ने, मैं नबी दे सहाबी दी गल पिया करदा। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जे बेले मैदान च लै के आ गए, फांसी दा फंदा करीब है, हजरत खुबैब दे सिर ते कपड़ा कोई नहीं, पैरे जुत्ती कोई नहीं, पखे दी हवा कोई नहीं, बर्फ दा पानी कोई नहीं। हजरत खुबैब जे बेले फांसी दे करीब हैं, ज़ालिमा दे खुबैब कोई आखिरी तमन्ना होवे दसा चा, असा तेरी आखिरी तमन्ना भी पूरी करन वास्ते तैयार हैं। हजरत खुबैब ने सिर हिलाए, ज़ालिमा दे शायद ए खुबैब बीवी बच्चा को मिलना चाहता है, खुबैब समझ गए शायद ए को बच्चे याद आ गए, ए ज़ालिम करीब आके आदे खुबैब जसा क्या तमन्ना है, आदे यार आखिरी तमन्ना ही है, मरता उमे भी बनना है, तख्त दार ते उमे भी चढ़ बनना है, लेकिन मेरा दिल पिया करे दे कुरान भी पढ़ लवा ते दू रकात नमाज भी पढ़ लवा, जरा मैं को मुसल्ला है, मुसल्ला कोई नहीं, सफा कोई ना, कालीन कोई नहीं, ओए चिट्टियल मैदान है, गरम रेत है, पथरीला इलाका है। हजरत खुबैब को पानी नहीं दिता ने, हजरत खुबैब ने तयम्मुम कीता है, मुसल्ले ते खड़ा हो गए, हा यार ना मस्जिद में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तो तलवारों के साए में। हजरत खुबैब तलवार तले नमाज खड़ा पढ़ता है, हाय हजरत उस्मान चाली दी हंदा प्यास है, लेकिन घर नमाज खड़ा पढ़ता है, मेरा पीर अली मैदान जिहाद अंदर तीरां दी बरसात है, लेकिन नमाज खड़ा पढ़ता है, तेरा आका ते मदनी रहमतुल्लिल आलमीन, लोग सिर ते जिस्म ते ओझड़ियां ज सतीन, लेकिन रहमत वाला नबी नमाज खड़ा पढ़ता है, हुसैन 72 ते 73 तन कुर्बान कर छोड़े, लेकिन आखिर नमाज खड़ा पढ़ता है। यारो मैं आदा हुसैन दी पूरी जिंदगी को अल्लाह ने कुरान बना छोड़े, हुसैन सबर भी कीता है, हुसैन नमाज भी पढ़ी है, मैं आदा ए आयत हे भी हुसैन वास्ते, इस्ताईनु बिसबरी वस्सला, हुसैन सबर भी कीता है ते नमाज भी पढ़िए। हजरत खुबैब बिन अदी जै वले मुसल्ले दे करीब आन, अल्लाह अकबर, जै वले बंदा हाथ उठे दे आदे मेरे अल्लाह मैं हुन हाथ खड़ा पिया करे ना, सारा कुछ तू है, मेरी दुकान कुछ नहीं, मेरी विजारत कुछ नहीं, मेरी कुर्सी कुछ नहीं, मेरी तिजारत कुछ नहीं, मेरा लैंड लॉर्ड कुछ नहीं, अल्लाह
अकबर। अल्लाह तू ही वड्डा, तेरा काम वड्डा, तेरा अजान वड्डा, तेरा नाम वड्डा, तेरा काम वड्डा। सुभान अल्लाह। तकबीर तहरीमा, तहरीमा दा मालन मौलाना मोहम्मद सिद्दीक तारिक साहब दे सेस ने तहरीमा दा माना हराम कर देना। नमाज तो पहले खामना हलाल है, नमाज दे खामना हराम है। नमाज तो पहले बोलना हलाल है, नमाज दे बोलना हराम है। नमाज तो पहले चलना हलाल है, नमाज चाह के चलना हराम है। नमाज तो पहले इधे उधे देखना हलाल है, नमाज चाह के इधे उधे देखना हराम है। क्योंकि अल्लाह फरमाया हूं तेरे ते खामना हराम, पीमना हराम, इधे उधे देखना हराम। क्योंकि मैं सारी तवज्जो तेरे अले पासे कर छोड़ी है। अंता बुदल्लाह का अन्ना का तराहू। सुबह फरमाया इवें नमाज पढ़, इवें नमाज पढ़ जिमें मैं ते को खड़ा दे दा का अन्नहू जरा का, जिमें तू मैं को खड़ा दे दें। हा यारो नमाज ताए जे बंदा रब दे सामने होवे वल फंदा कुछ नहीं आता। बंदा रब दे सामने होवे वल तीर कुछ नहीं आते। बंदा रब दे सामने होवे वल तिजारत कोई गल नहीं आती। बंदा रब दे सामने होवे वल परेशानियां कोई गल नहीं होंदियां। हजरत खुबैब बिन आदी ने आके नमाज पढ़ी है, दुश्मन खिल दे खड़े ने। ए ते नमाजा खड़ा पड़ता है, थोड़ी देर दे बाद शहीद हो वैसी खत्म हो वैसी। हाय इधर ए लोग खड़े मुस्कुराते ने, रब दी रहमत खड़ी मुस्कुराती है। हजरत खुबैब जे मेरे फांसी दे फंदे दे करीब आए, नमाज खड़े पढ़ते, वाह खुबैबा मैं तेरी शहादत को सलाम पेश करे ना, वाह खुबैबा मैं तेरी इबादत को सलाम पेश करे ना। हा यार एक पासे फांसी दा फंदा है, बाएं पासे तकबीर है, तहरीम है। हजरत खुबैब ने कुरान नमाज अंदर पढ़ना शुरू कर दिया है। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा, ऊंचे वाला को सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल है बस मौलाना अजीब आदमी है, हूं तक मैं यारी लाई है, भी क्यों यारी लाई बदल यही में इम्तिहान सटन पिछले जुम्मे जो सही ए हुक्म है जो तुसा जुम्मा इतना ही आप पढ़ावना है। मसीह तो मेरी हाई छोटी है, तुम्हारी खैर मदरसा बंद है, लेकिन पढ़ेंदा पिया मैं। लेकिन चूंकि यार है तो यार ही हो जाना जिक्र कुरान आको सुभान। यार गार, यार सिद्दीक, ना जो सिद्दीक है। तो मैं अलहमदुल्ला तकरीर तो अक्सर लेट पहुँचे से, लेकिन इतने जुम्मे तो मैं 12 बजे 11:30 आ गया। तुस हूँ एंड टाइम पर पहुँचे भी जी हाँ, रमजान शरीफ तक अगर नहीं, रमजान शरीफ तक जुम्मे पढ़े सू, बहरहाल बाद नहीं बेसू, लेकिन तुसा जल्दी आसो तो मौजू हर जुम्मे ते नमा होसी। ये तो को कहीं गलत आख है जो मौलवी तकरीर हे करे सी वाला असा नहीं आंदे। अलहमदुल्ला एक तकरीर दे दी कराओ, वाले एक रात दी कराओ, पूरा साल कराओ, तकरीर कोई ना मुकसे। ये मेरा तुरे नाल वादा है। ये तो कहीं गलत आख है, वो एक अवामी तकरीर आँगी जिथे वधे करू जो वधे आकू, लेकिन जिम्मेदार सटे जी उच्चे वाला आकू सुभान अल्लाह। हज़रत खुबैब ने तकबीर तहरीमा आखी अल्लाह अकबर, अल्लाह दा कुरान शुरू कर दिया ने। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा वयक्षिफु सूअ वयजालुकुम खुलफा अल अर्ज़ इलाहुम मअल्लाह क़लीलम मा तज़क्करून। नमाज खड़ा पढ़ता है, तीर दी कोई परवाह नहीं, फंदे दी कोई परवाह नहीं। हजरत खुबैब ने दूजी रकात शुरू की थी, बोले इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ए तेरी एक जान है, अगर 70 जानों में ना अल्लाह मैं तेरे हवाले कर रहे वहां। आए खुबैब नमाज खड़ा पढ़ दे यार। हजरत खुबैब ने जनाब फांसी दे फंदे दे सामने अल्लाह दी नमाज अदा की थी। यार आज तू पखन दे तले आते मस्से देर कंडीशन माहौल अंदर नमाज अदा नहीं करेंदा। नमाज बेहतरीन तोहफा, नमाज मेरे नबी दी अखां दी ठंडक, नमाज पूरे दीन दा सतून है, नमाज मोमिन दी मेराज है। यार आज तू ते मैं नमाज नहीं पढ़ दे, अजान होंदी पई अल्लाह अकबर, सिले ना से बैठा दे मैं वड्डा, नायब नाज़िमा दे मैं वड्डा, चेयरमैन दे मैं वड्डा, काउंसलर ते तहसील दे नाज़िमा दे मैं वड्डा। अल्लाह फरमाया ओ मौलवी जामे सिद्दीक अकबर दा तालिब इलम जी। अल्लाह फरमाया तेरे तेरे इलाके दा चेयरमैन गवर्नर अमीर ओ तुम मर्दान जनाब तकबर चाहे बैठा जो मैं वड्डा, जल्दी कर वुजू कर, स्पीकर खोल, जरा ऐलान कर अल्लाह
अल्लाहु अकबर। ज़िलाई नाज़िम तू वड्डा नहीं, मेरा अल्लाह वड्डा। नाज़िम वड्डा नहीं, अल्लाह वड्डा। चेयरमैन वड्डा नहीं, मेरा अल्लाह वड्डा। मुशर्रफ वड्डा नहीं, मेरा अल्लाह वड्डा। अल्लाह फरमाए मैं इहो जो वड्डा जो मैं वड्डे तू कोई वड्डा नहीं। सुभान अल्लाहु अकबर। अज़ान पयोंदी है, अदे यार मौलवी को तो इहो काम है, मेरे को तो टाइम ही कहनी। मैं पेशी ते वंजना है, मैं अदालत वंजना है, मैं होटल खोलना है, मैं मंडी ते वंजना है, मैं उठे बन के फला 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 काम करना है। लेकिन हुजूर फरमाए मज उम्मत ही हो, मैं को तुहाडे नाल प्यार भी वड्डा है। लेकिन जेड़ा बंदा नमाज अजान सुन के मस्जिद नहीं आंदा, मैं मोहम्मद दा दिल करे दे ओदे घर को वंज के हथे तीली ला देवा, अग ला देवा। लेकिन मैं देखदा जो सामने मैं को पर्देदार औरतां नजर आवेंदी ने, मैं देखदा जो मैं को अगे छोटे छोटे मासूम बच्चे नजर आवेंदे ने। यार तेरे कोल टाइम कहनी, तू आदे साडे कोल ते सिर्फ जुम्मे दा टाइम है, रोटी रोजाना खाना है, नमाज सिर्फ जुम्मे दी पढ़दा है, बीवी बच्चा दे कोल रोजाना मैंने नमाज सिर्फ जुम्मे दी पढ़दा है, अखबार ते रोजाना पढ़दा है, आ नमाज सिर्फ जुम्मे दी पढ़दा है, नाश्ता ते चाह दी प्याजी ते रोजाना करे ने, लेकिन नमाज सिर्फ जुम्मे दी पढ़दा है। अल्लाह फरमाए मैं तक को ते दौलता ते मनसोद मनसब ते शान ते मतगब दा ते कुड़ी तेरे खेतियां सर सब्ज हैं, तेरी गिजा के वास्ते ये जानवर पैदा किए, तेरी वफा के वास्ते ये चांद और सूरज हैं, तेरी जिया के वास्ते बंदा सब कुछ तेरे लिए, पर तू खुदा के वास्ते। ऊंची आवाज़ को सुभान अल्लाह, राजी बैठे के नाराज मतलब ऊंची आवाज़ को सुभान अल्लाह। अजान दी पई अल्लाह अकबर। ओ खाना मलिका दुकानदारा ताजरा मंडी वाले आरती आ तक रब पिया सदें दे, आजरा खुदा दे दरवाजे ते आ। यारो बंदा नेक है जेड़ा खुदा दे दरवाजे ते आए बैठे, जेड़ा नहीं आंदा ओ मातम करे अपनी किस्मत ते, जेड़ा नहीं आंदा ओ रोवे अपनी किस्मत ते मुकद्दर ते। ओ आधे मैं आया नहीं, रब आधे मैं बुलाया नहीं, मेरे दरवाजे ते ओ आसी जेड़ा मैं को प्यार आओ सी। यार तेरे दरवाजे ते ओ आवे जेड़ा ज़हन तेरे नाल मिले, ओए मौलाना दे मदरसे च ओ आवे जेड़ा मौलाना दा दोस्त ताल्लुकदार होवे। अल्लाह फरमाए मेरे दरवाजे ते भी ओ आवे जेदे नाल मैं को प्यार होवे, मेरे हबीब को प्यार होवे। अल्लाह फरमाए जरा आओ ते सही मेरे दरवाजे ते। अजान होंदी पई ए, हाय यार तू हुक्का नहीं छुड़ेंदा, यार दुकान अजान होंदी पई ए तू दुकान बंद नहीं करेंदा। हाय यार ओ देख मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दे अंदर बड़ा अजीम वाक्या लिखा है। पूछिए को सुभान भाई मोहम्मद, भाई मोहम्मद, भाई मोहम्मद अकरम साहब आए खड़े हैं, मदीदा करना पीछे हैं साफी कोई नहीं, तो इंशाल्लाह आगे भाई लिया से वादा की जो आज देख सो सफा थोड़ी थी तो वाल लाया देख सो हूँ सबको आखन की जरूरत नहीं। भाई अकरम साहब जगह मिल वैसी, लेकिन आज तकरीर शायद जल्दी खत्म करो, जेड़े खड़े इन्हों का क्या कसूर है। ये अगले जुमे इंशाल्लाह सफा भी ज्यादा हो सन, तो ये भी मौलना हिम्मत है जो सारा इंतजाम बर वक्त कर लिया ने। बहरहाल जितने साथी तशरीफ लैन अल्लाह कबूल फरमाए। ऊंची आवाज़ को सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब दे अंदर वाकया लिखा है, 7 साल दा बाल मदरसे चो कुरान पढ़ के वापस पिया वेंदे, जनाब जिठा सी सामने एक नवाब साहिबां दे पैन मंडी तो वापस पे आंदे, मच्छी लैके इंतजार चांदे पे, अदे यार कोई मजदूर होवे आ मेरी मच्छी लै ते मेरे घर तक पहुंचा देवे, इतनी मजदूरी देवा, इतने पैसे ते इतने दिरहम ते इतने दिनार देवा। या गाल करेदा है 7 साल दा बच्चा, हा यार जे मेरे बच्चा मदरसे च आवंदे ओदे अंदर अदब ते एहतराम आवंदे, जेड़ा बच्चा मदरसे च आवंदे ओदे दिल च खिदमत खलक दा जज्बा आवंदे, जेड़ा बच्चा मदरसे च आवंदे ओ को वड्डे ते छोटे दी तमीज होवेंदी, आदे बच्चे बन के सलाम कीते अस्सलाम वालेकुम, नवाब साहब ने एक हाथ दिते वालेकुम सलाम, बच्चा क्या गाले आदे सोना मैं सुना जे तुसी मजदूर दी तलाश च वधे वे, मैं कुरान पढ़िया ना, मेरा अब्बा माजूर है मेरी अम्मा माजूर है, उन्हां वास्ते मैं भी मजदूरी दी तलाश च जामी, मैं तुहाडी मच्छी तुहाडे घर तक पहुंचा देना। आदे जनाब जे मेरे बच्ची बच्चे ने मच्छी अपने मोढ़े ते रखी है चल पे, नवाब पिछू पिया वेंदे बच्चा अगे पिया वेंदे, चलदियां 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 जे मेरे मगरिब दी अजान दा टाइम होए, मौलवी साहब अजान दी थी अल्लाहु अकबर सुभान, मौलवी अजान दी थी बच्चे ने पीछा डिठा है, मच्छी रख छोड़ी सी बच्चा मस्जिद अंदर चला गई है। यार ओ लोग आज रोंदे बदल जिन्हां दे बच्चे जेल दे अंदर बंद ने, ओ लोग रोंदे बदल जिन्हां दे बच्चे ना हक कैद दे अंदर ने, लेकिन ओ लोग खुश ने जिन्हें बच्चे तरावी कुरान खड़े पढ़ते हैं, जिन्हें बच्चे रोजाना मदरसे वेंदे ने, जिन्हें बच्चे तबलीगी जमात नाल वेंदे ने, जिन्हें बच्चे रोजाना जिहाद का ऐलान वदे करेंदे ने। जनाब नवाब बाहर खड़े हो गए, बच्चा मस्जिद अंदर चले गए, बन के 2 रकात नमाज शुरू कर दी सी, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया सी, अर्रहमान अल्लमा अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमा
लहुल बयान। बच्चा कुरान खड़ा पढ़ दे, नवाब मस्जिद दरवाजे तो बाहर खड़े, बच्चे ने सलाम फेरा, जनाब इंतजार दंदरे, जिक्र बैठा करें दे, नवाब इंतजार दंदरे, बच्चा कुरान बैठा पढ़ दे, नवाब इंतजार दंदरे, जनाब नवाज नवाब आखिर दंदर आ दे, बच्चा क्या गाले जल्दी आ बहरा, मैं तेरे नौकर तो नहीं आ, मजदूरी मैं दीती है, मजदूरी तैं तो नहीं दीती, तू मेरा मजदूर है, मैं तेरा मजदूर तो नहीं आ, मैं इंतजार खड़ा करे ना जल्दी बहरा। बच्चे एक दफा सुना है, दू दफा जवाब दिता सी, आदे नवाब साहबा मैं क्या करा, मैं मजबूर हाँ, मैं को बाहर नहीं आवा देंदा। नवाब आदो केड़ा मौलवी है जिहड़ा तेको बाहर नहीं आवा देंदा, ओ केड़ी हस्ती है जिहड़ी तेको बाहर नहीं आवा देंदी। ए सत साल दा बच्चा जवाब देंदे, आदे नवाब साहबा चौधरी साहबा ओ हस्ती है जिहड़ी तेको अंदर नहीं आवा देंदी, ओ मैं को बाहर नहीं आवा देंदी, जिहड़ा तेको अंदर आवण दी तौफीक नहीं देंदा, ओ मैं को बाहर वञण दी तौफीक नहीं देंदा। ओ यार अज इल्जाम बदल लैना जो मेरा कपड़ा पली ते, ओ यार कपड़ा दुकान से आई ते पा कई, कपड़ा कपाह दी सूरत चई ते पा कई, कपड़ा थान दी सूरत चई ते पा कई, कपड़ा दर्जी दे कोल आया ते पा कई, कपड़ा तेरे घर चाहे ते पा कई, कपड़ा तेरे बरीफ केस चाहे ते पा कई। वो साले मां तेरे जिस्म दे नाल लगदा गए, पलीत आपे ते ना कपड़े दा की दिखना है, हालांकि कपड़े को ते मेरे नबी आप पाक कीता है। वसिया बा का फताहिर, सुभान अल्लाह, फरमा महबूबा कपड़े को इहो जा पाक कर दे जो भला कदा पलीत भी ना होवे। यार नियत तेरी ते मेरी पलीत, कपड़े को सा पलीत की दिखनी है, ए बहाने नहीं चलने, ए बहाने नहीं चलने। देख क्या मत अल्लाह फरमाइश, हां सही नमाज पढ़ी आवे या कोई ना, ए नहीं पूछा वणना जो तू चार चार घंटे तकरीर कर नाम है ओ अलग, ए नमाज अलग है, ए नहीं पूछा वणना तू तदरीस करे नाम है बुखारी ते तिर्मिजी पढ़े नाम है, ओ रुतबा अलग ते ए मर्तबा अलग है, ए नहीं पूछा वणना तू खिदमत खल्क करे नाम है, लोग रोजाना कतार अंदर खड़ो के हजारा रुपए तेरी खैरात लाए वंदे ने, ओ रुतबा अलग ते मनसब अलग है, ओ दा पूछन अलग ते दा सवाल अलग। यारा गुजारा नहीं चलना, ने क्यामत छुटकारा नहीं होना। एक बंदा वैसे या अल्लाह मैं क्या करा, मेरे को नमाज का टाइम को नहीं होता, मैं वर्दी में को कसी हुई होती आई, मैं 24 घंटे मैं मुल्क के अंदर नजर रखता हूं, मेरे को चार सूबियां ने, मैं विजारत करा हा या नमाज पढ़ा। अल्लाह फरमे अच्छा तू वड्डा बादशाह बन गया हमें, आ पलीत कतरे दी पदेश, तू सुलेमान तू वड्डा बादशाह तने हो सकदा। वला कद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين। सुलेमान आते अल्लाह ने मैं को कई बंदा तो रुतबा आला बुलंदा ता कीता है, हवा ते भी मेरी बादशाही है, जिन्ना ते भी मेरी बादशाही है, ते बख्त दे तख्ते बिलकीस ते भी मेरी बादशाही है, चरिंदा ते परिंदा ते दरिंदा दी बोली भी अल्लाह मैं को सिखा देती है, लेकिन देह दी बादशाही करें दे ते रब दे दरवाजे ते रात को गदाई करें दे। बंदा मैं सी अल्लाह मैं क्या करा, मैं तो बीमार आमी, मैं कोई उठा नहीं बहंदा। हालांकि मौलाना तशरीफ फरमाए ने पैसे ना हो मैंने ज़कात ना देवो, जहां पैसे ना हो मैंने ज़कात ना देवो, पैसे ना हो मन हाजते ना मनो, लेकिन जब ले नमाज का टाइम आए अल्लाह फरमाए खड़े हो के पढ़, आधा मैं नहीं खड़ो सकता, अल्लाह फरमाए जे खड़े हो के नहीं पढ़ सकता वल बह के पढ़, अगर बह के नहीं पढ़ सकता वल सम के पढ़, अगर सम के नहीं पढ़ सकता वल इशारा नाल पढ़। आपको सुभान अल्लाह, नमाज इहो जिया तोहफा, नबी इवें तो नहीं आखा जो मेरी उम्मत दी मेराज नमाज है। यार नमाज तो बगैर छुटकारा नहीं, देख क्या मत बंदा वैसी अल्लाह मैं क्या करा, मैं बीमार आमी, मैं 5 साल 3 साल बीमार रह गया, क्याम नहीं होंदा, रकू नहीं होंदा, चलना नहीं बहंदा। अल्लाह फरमे अच्छा तू वड्डा बीमार आवे, सुनाओ बुलाओ मेरे अयूब बीमार को जड़ा 18 साल बीमार रही है, लेकिन कदा मेरा शिकवा नासी कीता, हाय जिस्म हदियां हो गई ने, जिस्म दे अंदर कीड़े पाए गए, जिस मंजी नाल हो गए, लेकिन कदा जुबान ते मजा शिकवा ना सी कीता। 18 साल दा नबी बीमार है, तू नबी तू ज्यादा बीमार ते नहीं हो सकता। जदी तारीफ अल्लाह ने कुरान ने की थी, अय्यूब इज नादा रब्बहु अन्नी मसनिया जुर्रु अन्नी मसनिया जुर्रु व अंत अरहम राहिमीन। अल्लाह मैं बीमार हां, शिफा देवन वाला तू है, वही हुआ कीदा बना ले जो मैं मारा, शिफा अल्लाह देंदा है, मैं बे औलाद हां, औलाद अल्लाह देंदा है, मैं दुखी हां, सुख अल्लाह देंदा है, मैं बेरोजगार हां, रिज़क अल्लाह देंदा है। अल्लाह मैं को सारी बिरादरी छोड़ छोड़े, लेकिन मेरा वारिस कोई नहीं। अल्लाह फरमाया मैं आप वारिस बनवे ना, देख क्या मत ए बंदा कैसे, अल्लाह मैं बीमार हां। अल्लाह फरमाया सदो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, ना इबादत कजा है, ना तिलावत कजा है, ना मेरा जिक्र कजा है। एक बंदा आवे सी या
अल्लाह मैं क्या कर रहा, मेरी औलाद ज्यादा है, मैं क्या कर रहा। और देखो अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सदे से 18 पुत्र न इबादत कजा है न जिक्र कजा है, देख क्या मत है औरत आवेसी, या अल्लाह मैं क्या कर रहा, मेरा खामद बड़ा सख्त है, देख दिया छी मरतबा चाह ना बना महा तो मरे दहाई, अगर रोटी सही ना बना महा तो मरे दहाई, लेकिन नमाज पढ़न का टाइम को नहीं होता, मेरा खामद जालिम है जा बेराई, मैं क्या कर रहा। अल्लाह फरमाए सदाओ आसिया को, जेदा घर वाला फिरौन रोजाना आसिया दे जिस्म ते कोड़े मरे दाई, आधा आना रब को मुल आला, आना रब को मुल आला, रब तमया खालिक तमया मालिक तमया राजिक तमया आला ते मया अरफा ते मया, लेकिन आसिया दे तू आला ने आला सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह फरमाए अच्छा तू बड़ी तंग हमें ते आसिया तू ज्यादा तंग ते कोई नहीं, दे ना मूसा की इताद छोड़ी ना मैं खुदा की इबादत छोड़ी। सुभान अल्लाह यार अजान हो गई बच्चा बहर आ गए आके जे बले दे दए मच्छी दे कोल जनाब, बच्चे ने जे बले गाल कीती जड़ा तेको अंदर नहीं आवड़ेंदा उहो मैं को जनाब बहर, जड़ा तेको अंदर नहीं आवड़ेंदा उहो मैं को बहर नहीं आवड़ेंदा। नवाब दे दिल ते चोट लगी है सिगरेट सर छोड़ा सी बीटा छोड़ी तसी आके वुजू कीता सी, ओ भी बच्चे दे नाल जनाब कुरान ते नमाज शुरू कर दी थी, नमाज पढ़दियां 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 जे मेरे काफी टाइम हो गए दुहा ने दुआ कीती है बच्चा बैठा दे रब्बा ना को फिर वाले वाले दैया यार बच्चे को भेजा कर ए तेरा फायदा है, जो रोजाना तेरे वास्ते दुआ करे सी बच्चे को भेजा कर ए तेरा फायदा है, जड़ा बैठा रब्बी जालनी मुकीम सलाते व मिन जुर्रियती, यार बच्चा भी दुआ बैठा करे दे नमाजी भी दुआ बैठा करे दे, आदे जे वेले मस्जिद तो बाहर निकले डिठा ने मछली कली नहीं पई बल्कि सब्ज रंग दा परिंदा है वो मछली दे बाहर पहरा बैठा देंदा है, आदे मैं हैरान हो गया ए परिंदा कित्थों आ गए, आदे जे वेले परिंदा उड़न लगा ते आदे हाजी नवाबा तेरे को जमीना बड़ी आन लेकिन मैं तेरे को चल के ना आया, तेरे मातहत हजारा नौकर आन लेकिन मैं तेरे को चल के ना आया, लेकिन जे मिले तू खुदा दे दरवाजे ते चल के आए अल्लाह दे मैं को जन्नत दी भेजे, मैं तेरी मछली दी रखवाली बैठा करे ना, आ तू दुकान छोड़े नमाज पढ़ दुकान दी रखवाली मैं अल्लाह करे सी, आ तू बीज सट के वापस आवन तेरे कपाह ते गंदो ते सूरजमुखी ते एक एक बीज दी रखवाली मैं अल्लाह करे सी, आ तू खुदा दे दरवाजे ते आवन। अल्लाहू अकबर तकबीर तहरी मांग दे सारे चीजा को कांड दे पिछू सट दे तको बुलंदी मेरा अल्लाह दे सी। सुभान अल्लाह फरमाए कि नमाज पढ़ने वाले हो हाफिजु अलसलावात वसलातिल वुस्ता, फरमाया कि जेड़ा मेरी हिफाजत कर दे हाफिजु मेरी नमाज हिफाजत कर दे मैं खुदा उदे पूरे माल ते उदे घराने दी हिफाजत कर दा। सुना नमाज तो बगैर छुटकारा नहीं, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी पिंडली दे अंदर तीर लग गए और एक जर्रा आया हकीम आया डॉक्टर आए उन्हें तीर छिकन की कोशिश की थी, अली फरमाया नहीं छोड़ दो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। जय बजे जनाब जर्रा हकीम चला गए, पीर अली ने नमाज शुरू की थी ते सहाबी ने इशारा किया हकीम आवन अगर तीर कटने तो हूं पीर अली नमाज है सुभान जे तीर कटने ते पीर हूं नमाज है तीर कट ले यार। जै बजे पीर नमाज गए तीर कट लिया ने अली ने सलाम फेरे अद यार खून कित है सहाबा ने सोना तो तीर कट लिया से मेरे पीर अली फरमाए मैं को वल्ला उस जात की कसम है जै मैं को इतना शांत मकाम अता किया मैं ओदी याद चामे मैं को दुनिया की किसी चीज ते तकलीफ का पता ही नहीं रह गया। सोना नमाज तो बगैर गुजारा नहीं। सैयदना पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जिंदे नाँ ते लोग यारियां ते भात ते खीर खाती वेंदे आखो सुभान ते पीर अली दे कोल पीर अब्दुल कादिर जिलानी दे कोल एक मुरीद गए आदे सोना घर च बरकत कोई नहीं घर नहुसत है बे बरकती है औलाद आखनी मने दी। आपने फरमाया पुत्र नमाज पढ़ हजरत मैं ते नमाज पढ़दा। आपने फरमाया बीवी को आख नमाज पढ़े हजरत वो भी पढ़ दिए। आपने फरमाया घरवाली अपनी औलाद सही सारे नमाज पढ़ दे वाली बरकत कोई नहीं। आपने फरमाया जे तू भी नमाज पढ़ दे तेरी औलाद भी नमाज पढ़ दी तेरी घरवाली भी नमाज पढ़ दिए वल भी तेरे घर च बरकत कह नहीं वल मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी लिख देना जो तेरे घर अंदर कहे बे नमाज आदमी झाती मारियो हो सी जे एक झाती मारन नाल इतनी बे नहुसत हो बने जे घर दर्जन बे नमाजी हो मे खुद भी बे नमाज जी घर वाली भी बे नमाज यार तू मर बने मरण वाला भी बे नमाज कफन बनावन वाला भी बे नमाज वह दर्जी भी बे नमाज कबर बनावन वाला भी बे नमाज जनाजा उठावन वाला भी बे नमाज वह तक कबर समावन वाला भी बे नमाज ते कामयाबी की में होसी वह हशर की कामयाबी की में होसी नहीं नहीं फरमाए मेरी मेराज या अल्लाह हुजूर या रसूल अल्लाह तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा मेरी मेराज के मोहम्मद मैं तेरे कदम तक पहुंचा
फरमाया मैं ते रब को हो के आया, लेकिन आओ तुसा सजदा करो, उन्हूं अजीम आखो, उन्हूं आला आखो, अत्तहियातु लिल्लाह आखो, वसलवातु वत्तय्यिबात आखो। फरमाया फर्श ते तुसा याद करो, अरशा ते ओ याद करे सी, जमीन ते तुसा याद करो, जन्नत ते ओ याद करे सी, इंसान च बह के तुसा याद करो, मलाइके च बह ते ओ याद करे सी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। फरमाया मेरे उम्मतियो, नमाज मोमिन दी मेराज है। नमाज तो बगैर छुटकारा नहीं, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तो वापसी ते सब तो बेहतरीन और आला तोहफा यो नमाज वाला लेके आन। सुना ना बनेडा खतीब, ना बन वडा मुवाहिद, कोई कम ना कर। अगर पांच वक्त नमाज अदा कर सकदे ते अदा कर, खुदा दी कसम ओ बंदा कामयाब है जेदा सजदा खुदा वास्ते, जेदी तस्बीहां खुदा वास्ते, जेदा दुरूद मुस्तफा वास्ते, जेदी दुआ पियो मां वास्ते। सुभान अल्लाह, नमाज अंदर सारिया से इबादत आ गई, तौहीद भी आ गई, रिसालत भी आ गई, जिक्र भी आ गया, माँ बाप वास्ते दुआ भी आ गई। नमाज बेहतरीन आला अफजल इबादत। हुजूर तो पूछा गया अय्युल आमाल अफजल, सोहना केड़े आमाल अच्छे न? फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, के मोमना ते नमाज वक्त उते मुकर्रर है, जेड़ा पढ़दा ते है बेवक्त पढ़दा है, ओदे बारे अल्लाह फरमाए वैलुल मुसल्ली। फरमाया उस आदमी वास्ते हलाकत, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जेड़े नमाज पढ़ दें ते देर पढ़ दें, कदा पढ़ दें ते कदा नहीं पढ़ दें। यार अज खुदा सेहत दीती है, खुदा दे दरवाजे ते आ, अज खुदा जुबान दीती है, अल्लाह दा जिक्र कर, अज खुदा ने ताकत दीती है कियाम के खड़े होके अल्लाह दी इबादत कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नबी को नमाज पसंद है, मेरे पीर अली फरमाए मैं अली को नमाज पसंद है, मेरे पीर हुसैन फरमाए मैं हुसैन को नमाज पसंद। यारे कौन हुसैन है? ओए पढ़ो हर दम दुरूदों पर लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हर दम दुरूदों पर लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सरे नेज़े पे सैयद ने पढ़ा है यू कलामुल्ला, सरे नेज़े पे सैयद ने पढ़ा है यू कलामुल्ला, मलाइक भी हुए है इबादत हो तो ऐसी हो, अली कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पीर अली ने नमाज पढ़ के जसाए, कोई मौलवी देवबंदी बरेलवी शिया अहले हदीस ए तो आपको कौन आखे सी भाई नमाज तो बगैर गुजारा हो बसी, वो बदकिस्मत पीर हो सी जरा आद मैं को देख लो नमाज हो गई, वो बदकिस्मत पीर है जरा मुरीदा को आखे नजराना मैं कुछ मेरी नमाज मदीने होती है। सुना नबी दे नबी फरमाए नमाज मेरी अखा की ठंडक, पीर अली फरमाए नमाज मेरी अखा की ठंडक, पीर अब्दुल कादिर जिलानी आखे नमाज मेरी अखा की ठंडक, कासिम ननोत भी आखे नमाज मेरी अखा की ठंडक, और वली ते नबी ते पैगंबर ते औलिया आखे नमाज सारी अखा की ठंडक, और जरा नमाज च आ गए तू आद है वो नमाज च है, मैं आद है बंदा मेराज च। सुभान अल्लाह, नमाज दर हकीकत मेराज दना है। अल्लाह इस मेराज दी अदब व एहतराम नसीब फरमाए, बर वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनता पढ़ ले सो बाकी ए मौला।